वेलकम टू मी सुमैथिस्ट। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का यूनिट 9 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो क्लास टेंथ के हमें अभी बेसिक्स चल रहे हैं, टारगेट बाद में स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। जो ग्राउंड है उससे हम एक टॉवर को देख रहे हैं जो कितना 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। कहाँ से? टॉवर के फुट से। ओके, यहाँ पे दिया है टॉवर इज 30 डिग्री, तो वो एंगल कितने का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो हमें क्या करना है, टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। पहले हमें टॉवर बनाना है, जो टॉवर बना लिया हमने। क्लियर? यहाँ से 30 मीटर दूरी पे है, क्या कोई बंदा खड़ा हुआ देख रहा है, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो हमें जी टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट कितनी होगी। क्लियर? तो वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो 30 दिया हुआ है, और हमें ये क्या दी, 30 के सामने वाला क्या होता है हमेशा, देखो इधर वाले फिगर में देखो, 30 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। हमें बेस दिया हुआ है, अब क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी को और याद नहीं है, तो दोबारा से आप बार बार लिख सकते हैं, याद कर लो तो बेटर है। परपेंडिकुलर और बेस किस में है, हमारे थर्ड वाले पोर्शन। थर्ड वाला किसे डिनोट करता है, टेन को। किसे डिनोट करता है, टेन को। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करें, टेन 30 इक्वल परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी अपॉन बी सी। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए बी होगा एच और बी सी होगा आपका 30। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एच इक्वल आ जाए 30/√3। क्लियर? और रूट थ्री का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा 3, ये इक्वल में चलेगा, 3 से ये वाला 30 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 10√3, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और आपको ये किस में दिया है, आप यहाँ पे देखें तो देखिए 30 आपको मीटर में दिया है, तो आंसर भी आपका किस में होगा, मीटर में होगा, यूनिट इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।